हेलो स्टूडेंट्स ओ टू आई अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम डेली के जो करंट अफेयर्स हैं उसको एमसीक्यूज के द्वारा प्रैक्टिस करते हैं तो आज के एमसीक्यूज शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी ओ टू आई की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर ये यह पी आपको मिल जाएगी स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से दैट इज़ रिलेटेड टू नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी ट्वेंटी तो जैसा कि आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी 2022 है इसको अभी नोटिफाई किया है तो बेसिकली नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी होती क्या है तो जैसा कि आप जानते हैं कि जिस टाइम पे हमने अलग अलग रीजन की मैपिंग करनी होती है तो यहां पर हम अलग अलग जो टेक्नोलॉजी हैं उसको यूटिलाइज करते हैं फॉर एग्जाम्पल ड्रोन्स को यूटिलाइज करके हमने जो लैंड है उसकी मैपिंग करनी शुरू कर दी या फिर हम सैटेलाइट्स को यूज करके यहाँ पे अलग अलग रीजनस की अर्थ मैपिंग या फिर अर्थ रिसोर्सेज की भी मैपिंग कर सकते हैं तो इन सब चीजों को ही देखते हुए हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उन्होंने जियो स्पेशल पॉलिसी 2022 जो है उसको अभी रिलीज किया है तो बेसिकली आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि नेशनल डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी के लिए इंफॉर्मेशन इकॉनमी के लिए तो ये जो पॉलिसी है इसको रिलीज किया गया है अदरवाइज भी इस पॉलिसी के अंदर ट्वेंटी तक जो गोल्स पूरे किए जाएंगे या फिर ट्वेंटी तक जो गोल्स पूरे किए जाएंगे ये सारी चीजें इस पॉलिसी के अंदर दी हुई है जैसे कि हाई एक्यूरेसी डिजिटल एलिवेशन जो है वो ट्वेंटी थर्टी तक प्रोवाइड किया जाएगा बेसिकली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा जहां पर बहुत हाई से की जाएगी और दैट स्टेटमेंट्स हैं बारे में बात कर लेते हैं दैट इज रिलेटेड टू हनी मिशन जिसको नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के नाम से भी जानते हैं ये जो हनी मिशन है ऐसे तो 2017 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था लेकिन अभी जब रन किया गया है तो ट्वेंटी

अलग अलग जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं या फिर अलग अलग जो विलेजेस हैं वो कैसे आगे आ रहे हैं ताकि यहाँ पे बी कीपिंग की जा सके जो मधुमक्खियाँ हैं उनको यहाँ पे एक अलग से उनका फार्म बनाया जा सके और अल्टीमेटली हनी की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जा सके इवन जो हनीज़ है उसका हमारी जो एग्रीकल्चर uh, सेक्टर है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा यूज़ है जैसे कि जो हनीज़ हैं वो यहाँ पर पॉलिनेशन करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहती हैं जो कि प्लांट्स में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन जो कि मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर पर जाता है और अल्टीमेटली यहां पे सीड्स और जो फ्रूट्स हैं वो बनते हैं तो अगर मैं बात करूं कि ये जो मिशन है ये किसने लॉन्च किया है तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंदर लाई करती है तो इन्होंने ही इस मिशन को लॉन्च किया है तो आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए दैट मीन्स आपका सेकेंड जो आंसर है सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी क्योंकि ये जो मिशन है नाइनटी नाइन्टीज में नहीं लॉन्च किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं दैट इज रिलेटेड टू रणजी ट्रॉफी तो जैसा कि आप जानते हैं हमारी कंट्री के अंदर रणजी ट्रॉफी के लिए बेसिकली जो अलग अलग स्टेट्स हैं वो यहां पर खेल रही हैं तो इसी के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि अगर मैं कुमार श्री रणजीत सिंह जी के बारे में बात करूं तो हमारे ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे ये जो है क्रिकेट के बहुत जाने माने एक फेमस पर्सनैलिटी थे तो इन्हीं के नाम पर जब इनकी मृत्यु हो गई नाइनटीन के अंदर तो उस टाइम पर इन्हीं के नाम पर क्रिकेट की एक ट्रॉफी का नाम रखा गया दैट इज रणजी ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी जो है हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग जो स्टेट्स हैं वो एक दूसरे के बीच में खेलती हैं और अल्टीमेटली जो सबसे मतलब जीत जाता है उसको ही ये ट्रॉफी जो है वो दी जाती है तो बेसिकली ये हमारे एक तरह से जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उसके राजा भी माने जाते हैं जिनका क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था अगर देखा जाए कि जो रणजीत सिंह जी हैं उन्होंने कभी भी इंडिया के नहीं लिए नहीं खेला था दैट मीन्स यहाँ पे इंडिया जो है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में बात हो रही है पोस्ट प्री इंडिपेंडेंस से पहले जो ब्रिटिश इंडिया होता था उस टाइम पे उन्होंने खेला था लेकिन हमारे जो इंडिपेंडेंट इंडिया है उसके लिए इन्होंने नहीं खेला था तो दैट मीनस जो रणजीत सिंह जी हैं उनको फादर ऑफ इंडियन क्रिकेट भी बोला जाता है और इनके रिगार्डिंग ये जो ट्रॉफी है ये बी ने उनकी मृत्यु के बाद ही क्रिएट करी थी नाइनटीन के अंदर तो दैट मीन्स आपकी यहाँ पे दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स है ये करेक्ट हो जाएंगी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं दैट इज रिलेटेड टू सॉवरन ग्रीन बॉन्ड्स फ्रेमवर्क तो सॉवर ग्रीन बॉन्ड्स फ्रेमवर्क के बारे में बात करूं तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ डेप्ट सिक्योरिटीज़ को इशू किया है ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन डेप्ट सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करें और अल्टीमेटली यहां से जो भी मनी होगा बेसिकली इन्वायरमेंट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए लगाया जाएगा तभी इसका नाम ग्रीन बॉन्ड्स है दैट मीन्स इससे जितनी भी इन्वेस्टमेंट करी जाएगी उसके अंदर कोई भी पल्यूशन की एक्टिविटीज़ नहीं होंगी तो इसी फ्रेमवर्क के अंदर यह भी बताया गया कि ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं के अंदर ये जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं तो दैट मीन यहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया एक्सपेंडिचर इन पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स हो गया तो दिस इज इंक्लूडेड लेकिन यहां पे कुछ एक्सेप्शन भी प्रोवाइड किए गए हैं जैसे कि न्यूक्लियर पावर जनरेशन के अंदर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते इन ग्रीन बॉन्ड्स को इन द सेम वे आप लैंडफिल प्रोजेक्ट्स के अंदर भी इसको इन्वेस्ट नहीं कर सकते हाइड्रो पावर प्लांट्स के अंदर तो इन्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन अगर हाइड्रो पावर प्लांट ट्वेंटी फाइव मेगावॉट से ग्रेटर है तो बेसिकली ये पावर की यूनिट है अगर इससे ज्यादा ग्रेटर अगर ये आपका पावर प्लांट है तो इसके अंदर ये जो बॉन्ड्स है इनको इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता तो यहां पे आप देखेंगे कि आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी बाकी की स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू एबे रीजन तो आपने बेसिकली न्यूज़ में था तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर लाइक करता है तो अगर मैं अफ्रीका वाले रीजन के बारे में बात करूं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको नॉर्थर्न सूडान और सर्दर्न सूडान जो है ये देखने को मिलेगा और उसके बीच में एक बहुत ही ज्यादा हॉटली कंटेस्टेड रीजन है दैट इज़ दी एबे रीजन और इसी एबे रीजन में बहुत अलग अलग एक्टिविटीज़ जो है वो होती रहती हैं रिसेंटली न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि इंडिया ने यू एन पीस कीपिंग फोर्सेज के अंदर इंडिया का लार्जेस्ट कंटेंजेंट ऑफ वुमेन को यहाँ पर डिप्लॉय किया है तो इस वजह से ये न्यूज़ में है आपने इसको ध्यान देना है और ये अफ्रीका वाले रीजन में लोकेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू शागोल कैंजई शागोल कैंजई के बारे में बात करूं तो ये एक ऐसा स्पोर्ट है जो कि पोलो स्पोर्ट है जो कि मणिपुर के अंदर खेला जाता है तो यहाँ पे जब अमित शाह जी मणिपुर के अंदर गए तो यहाँ पे उन्होंने अलग अलग स्टैचूज़ जो हैं इनको यहाँ पर इनाग्रेट किया अलग अलग चीज़ों को इनागरेट किया और इन्होंने बोला कि ये जो स्पोर्ट है वो मणिपुर से ही ओरिजिनेट हुआ था तो अगर मैं शागोल केंजई के बारे में बात करूँ तो ये एक पोलो है पोलो गेम है जो कि मणिपुर वाले रीजन में खेली जाती है और इवन ऐसा माना जाता है कि यहाँ के जो राजा हैं इन्होंने इस गेम को पैटर्न किया था तो इस वजह से ही आज जो पोलो खेली जाती है तो उसका जो ओरिजिन है वो मणिपुर वाले रीजन में हुआ था जैसे कि अलग अलग राजा जो हैं आपको यहाँ पे दिए हुए हैं तो यहाँ पे आपकी दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हो जाएंगी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं दैट इज रिलेटेड टू फ्लोटो वोल्टेक्स फ्लोटो वोल्टेक्स के बारे में बात करूँ तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है तो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए या फिर जिस हद तक वो पहुंचा है उसको वहीं पर स्टेबल करने के लिए अलग अलग तरीके जो हैं वो अपनाए जा रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हर एक कंट्री जो है वो रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ़ एनर्जी के टूवर्ड्स मूव कर रही है जैसे कि कैसे सन की जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाना चाहिए तो यहाँ पर अलग अलग जो सोलर पैनल्स हैं उनको लगाया जाता है तो अगर मैं बात करूँ फ्लोटो के बारे में तो यहाँ पर जो सोलर पैनल्स को लगाया जाता है वो बेसिकली एक रीजन के ऊपर फ्लोट करते हैं तो दैट मीन्स अगर हम देखें कि हमारे पास लैंड का जो एरिया है वो बहुत कम है सोलर पैनल्स लगाने के लिए तो हम अलग अलग वाटर बॉडीज़ के ऊपर भी फ्लोटिंग सोलर पैनल्स जो हैं उनको लगा सकते हैं तो इसी को ही नाम दिया गया है अ, फ्लोटो तो अगर आप यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स को देखेंगे तो आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इनको ये जो सोलर पैनल है इनको वाटर बॉडीज़ के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ कि सबसे पहला जो फ्लोटो वोल्टेइक है वो दो में तो लगाया गया था लेकिन जर्मनी के अंदर नहीं लगाया गया था ये कैलिफोर्निया का जो नापा वैली वाला रीजन है वहाँ पर सबसे पहला जो फ्लोटो वोल्टेइक्स है उसको लगाया गया था इवन अगर मैं इंडिया के बारे में बात करूं तो हमारे इंडिया के अंदर जो अभी तक का लार्जेस्ट फ्लोटो कि वाटर सरफेस के ऊपर बेसिकली इसको डिप्लॉय किया गया है इंस्टॉल किया गया है उसके बारे में बात करूं तो अभी तक तेलंगाना वाले रीजन का जो रामा गुंदन प्रोजेक्ट है वो अभी तक का सबसे लार्जेस्ट है जो कि सौ मेगावाट का है लेकिन आगे आने वाले टाइम के अंदर मध्य प्रदेश के खांडवा रीजन में जो ओमकारेश्वर डैम है उसके ऊपर छह मेगावाट का भी एक पावर प्रोजेक्ट जो है उसको लगाया जा रहा है तो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे इंडिया का लार्जेस्ट जो आ, आ, फ्लोटो वोल्टेक जो पावर प्लांट है या फिर फ्लोटो वोल्टेक जो प्रोजेक्ट है तो मध्य प्रदेश का जो खांडवा वाला रीजन है उसके अंदर जो आपका

ऊपर एक लिविंग रूट ब्रिज को बनाया गया है जो कि पेड़ों की रूट्स को कनेक्ट करके बनाया गया है तो बेसिकली मेघालय वाले रीजन के अंदर आपको जो जितने भी फॉरेस्ट वाला रीजन है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा तो उनकी ही रूट्स को यूटिलाइज करके ये जो ब्रिज है इसको बनाया गया है इवन आप देखेंगे कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो टेंटेटिव लिस्ट है मैं मेन लिस्ट के बारे में बात नहीं कर रही हूं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट है उसमें इंक्लूड होने से पहले कोई भी साइट एक पहले एक अदर लिस्ट में जाती है जिसका नाम है टेंटेटिव लिस्ट तो दैट मीन इवन आप देखेंगे कि जो लिविंग रूट ब्रिज है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट के अंदर भी इंक्लूडेड है तो so यहां पर आपकी दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हो जाएंगी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू वीर गार्डियन 2023 तो रिसेंटली जापान के एयरबेस के अंदर इंडिया और जो जापान की एयर फोर्स है यहाँ पे एक दूसरे के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज जो है इसको कंडक्ट करवा रही है जिसको बोला गया है वीर गार्डियन 2023 के नाम से तो ये जो एक्सरसाइज है इंडिया और जापान के बीच में कंडक्ट करवाई जा रही है लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू न्यू अम्ब्रेला एंटिटी तो जैसा कि आप जानते हैं कि आर जो है आर और बहुत सारे बैंकों ने मिलकर यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था दैट इज एन पी सी आई इज़ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि हमारी आज की जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं जो कि यू के द्वारा कंडक्ट की जाती हैं तो उन सारी ट्रांजेक्शन को एन ही कंट्रोल करता है इवन आप जो फास्टैग वगैरह यूज करते हैं वो भी एन के अंडर ही लाई करती है एन पी एन जो है वो बैंक्स और आर के द्वारा बनाई गई है तो यहाँ पर आर ने कुछ फ्रेमवर्कस को गाइडलाइंस को रिलीज़ किया था ताकि यहाँ पर जो अलग अलग बिजनेस हैं उनको भी इंक्लूड किया जा सके और अल्टीमेटली एन को चेंज कर दिया जाएगा एक नई ऑर्गेनाइजेशन uh, या फिर एक नई अथॉरिटी से जिसका नाम होगा न्यू अम्ब्रेला एंटिटी तो न्यू अम्ब्रेला एंटिटी के अंदर अलग अलग जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहां पर आकर इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि ट्रांजैक्शन को और ज़्यादा स्मूथ बनाए जा सके क्योंकि यहां पे देखने को मिला था कि एनपीसीआई के द्वारा जो ये ट्रांजेक्शन uh, सिस्टम बनाया गया था तो उसमें अलग अलग जो इशूज हैं वो सामने देखने को मिल रहे थे तो इस वजह से आरबीआई ने गाइडलाइंस को रिलीज किया इवन अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर क्योंकि इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन्वेस्ट करेंगे और इस अम्ब्रेला एंटिटी को बनाएंगे तो दैट मीन्स इट इज़ कंट्रोल्ड बाई इंडियन सिटीजन और यहाँ पर वही बिजनेसिस जिनको पहले से ही पेमेंट के अंदर तीन साल का एक्सपीरियंस है वही इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल पेटीएम को अब बहुत सारा साल हो गए हैं ट्रांजेक्शन्स वगैरह करते हुए तो ऐसी जो कंपनीज हैं वो यहाँ पर आ सकती हैं इवन यहाँ पर बोला गया है गाइडलाइन के अंदर कि जो फॉरन कंपनीज़ हैं वो भी इन्वेस्ट कर सकती हैं लेकिन अप टू ट्वेंटी फिर 5% परसेंट इस अम्ब्रेला एंटिटी के अंदर वो इन्वेस्ट कर सकती हैं ताकि ट्रांजेक्शन को स्मूथ बनाया जा सके तो दैट मीन्स आप देखेंगे कि आपकी दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट हो जाएगी आंसर बनेगा बोथ वन एंड टू तो आई होप आपको यहाँ तक जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में समझ में आया होगा नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे थैंक यू सो मच एंड अ नाइस डे